जी हाँ दोस्तों, आखिरकार जिम्बाब्वे के खिलाफ मैन ऑफ द मैच बनते के साथ ही संजू सैमसन ने खोला रोहित शर्मा पर बड़ा राज। छक्का जड़कर मैच फिनिश करने की भी बताई रोहित के ऊपर ऐसी वजह कि सुनने के बाद पूरे भारत देश के उड़े होश। तो दोस्तों आखिरकार क्या बोले संजू सैमसन, वो सब तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले अगर आप भी संजू सैमसन और रोहित शर्मा के फैन हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और आप भी हमें नीचे कमेंट में बताना कि संजू सैमसन और रोहित शर्मा में से आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है, अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही कि भारत और जिम्बाब्वे की टीम के बीच दूसरा वनडे मुकाबला बेहद ही शानदार था, जहां इस मुकाबले में भारतीय टीम ने 5 विकेट से रोमांचक जीत हासिल करी। दरअसल दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत और जिम्बाब्वे की टीम के बीच जब दूसरा वनडे मैच शुरू हुआ तो यहां पर पारी की शुरुआत होती है जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी से, और जिम्बाब्वे 38 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर मात्र 161 रन ही बना पाती है, और यहां पर भारत को लक्ष्य मिलता है 162 रनों का। तो वहीं दोस्तों जब भारतीय टीम 162 रन बनाने के लिए उतरी तो यहां शिखर धवन, केएल राहुल, शुभमन गिल कुछ ज्यादा खास कमाल कर नहीं पाते हैं, और यहां तक कि ईशान किशन, दीपक हुड्डा के बल्ले से भी कुछ ज्यादा खास प्रदर्शन देखने के लिए नहीं मिलता, जिसके चलते भारत की तरफ से आज सबसे ज्यादा रनों की पारी संजू सैमसन ने खेली, जिन्होंने आज 43 रन बनाए। लेकिन दोस्तों संजू सैमसन को उनकी 43 रन की सबसे अहम और मजबूत पारी के लिए मैन ऑफ द मैच के खिताब से भी नवाजा गया। और दोस्तों आप सभी को तो याद ही होगा कि इस दूसरे वनडे मुकाबले में संजू सैमसन ने भारतीय टीम को छक्का लगाकर धोनी के अंदाज में जीत दिलाई, और ऐसे में अब संजू सैमसन जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान आए तो उन्होंने बड़ी बात कही। दरअसल दोस्तों संजू सैमसन कहते हैं कि आप जब मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने आते हैं तो आपके ऊपर काफी ज्यादा दबाव रहता है, क्योंकि पिछले कुछ बल्लेबाज आपकी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन कर नहीं गए होते हैं, और आज ऐसा ही दबाव मैं महसूस कर रहा था। हालांकि मैं मानता हूं कि हमारी टीम को ज्यादा बड़ा लक्ष्य बनाना नहीं था, लेकिन अगर हमारे 2-3 विकेट और निरंतरता के साथ गिर जाते तो शायद ये मुकाबला हम हार भी सकते थे, लेकिन मैं मैदान पर टिका रहा और बस एक ही बात का ख्याल करता रहा कि मुझे आज का ये मुकाबला बिना आउट हुए ही पवेलियन लौटना है, और ऐसा ही मैं कर पाने में कामयाब हुआ हूँ। हालांकि 43 रन की पारी कोई छोटी पारी नहीं होती है, और इस पारी के साथ ही मेरा कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास काफी ज्यादा बढ़ा है, और मैं जानता हूँ कि आगे होने वाले मुकाबलों में हमें इससे भी अच्छा प्रदर्शन कर दिखाना होगा। भले ही हमारी टीम के खिलाड़ियों ने आज अपने विकेट जल्द से जल्द गवाए हैं, लेकिन हमें आगे से इस बात का ध्यान रखना होगा। तो वहीं दोस्तों फिर संजू सैमसन से जब पूछा जाता है कि आखिरकार उन्होंने आज मुकाबला छक्का जड़कर क्यों जिताया, तो इसके ऊपर संजू सैमसन कहते हैं कि मैंने पहले से ही इनोसेंट काइया के ओवर में मन बना लिया था कि इस ओवर में छक्का लगाकर ही मैच को फिनिश करूंगा। हालांकि उन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, और 2-3 गेंदें खेलने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं इनकी गेंद पर छक्का नहीं जड़ पाऊंगा, लेकिन जब उन्होंने पारी की 4थी गेंद डाली तो शायद वो मेरे पाले में थी, और मैंने छक्का जड़कर इस मुकाबले में धोनी भाई की तरह मैच जिताने पर पूरा फोकस किया। और रोहित भाई ने मेरी काफी ज्यादा मदद आज के इस मुकाबले से ठीक पहले की थी, क्योंकि मैं फॉर्म अपनी खो चुका था, और रोहित भाई भी एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने मेरे को फॉर्म वापस दिलाने में सबसे ज्यादा मेरा साथ दिया है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर संजू सैमसन ने बड़ा बयान देकर लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया है। बाकी अब आप सभी की क्या राय है संजू सैमसन के इस बयान के बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।